नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे एंड्रियास मुंजर के बारे में। जो ये फोटोज इस वक्त आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आपने पहचान ही लिया होगा कि इतनी श्रेडेड बॉडी और इतनी वेल कंडीशन बॉडी और किसी आईएफबीबी प्रो की आज तक हमें देखने नहीं मिली। सिर्फ एंड्रियास मुंजर ही इतने गिफ्टेड थे कि उनकी जो कंडीशनिंग थी, उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज था, वो इतना एक्सट्रीम लो अमाउंट तक लेके जा सकते थे। लेकिन इतनी एक्सट्रीम कंडीशनिंग और इतना एक्सट्रीम लो बॉडी फैट परसेंटेज के लिए उनको एक हेवी प्राइस पे करनी पड़ी। सो उसके ऊपर आज बात करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, जो ये बॉडी बिल्डर इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो इस बॉडी बिल्डर का नाम है एंड्रियास मुंजर। ये एक आईएफबीबी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का प्रो कार्ड जब आपको मिल जाता है, तब आप अर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया जैसे बड़े शोज में कम्पीट कर सकते हैं। और एंड्रियास मुंजर ने काफी सारे मिस्टर ओलंपिया और अर्नोल्ड क्लासिक के शोज में कम्पीट किया है। ये जो पर्टिकुलर फोटो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये काफी फेमस फोटो है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें कि मोस्ट श्रेडेड बॉडी बिल्डर या बॉडी बिल्डर विद 0% बॉडी फैट परसेंटेज ऐसा कुछ सर्च करेंगे, तो आपको एंड्रियास मुंजर की फोटो तो 100% देखने मिलेगी। सो अगर एंड्रियास मुंजर की बात करें तो इनका जन्म हुआ था October 25th, 1964 में और इनकी डेथ हुई थी March 14th, 1996 में। सो सिर्फ 31 ईयर्स के थे एंड्रियास मुंजर और इतनी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स उनके डेथ का कारण तो स्टेरॉइड्स का यूज था ही, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत हुई थी कि आप स्टेरॉइड्स जब जो भी यूज करते हैं या जिनको आप देखते हैं स्टेरॉइड्स यूज करने के लिए, आप उनको अगर देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि एक ना एक दिन इसकी भी इसी तरीके से मौत होगी। लेकिन एंड्रियास मुंजर ने इतने एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स को अब्यूज किया था और उसकी वजह से उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई थी। सो अगर आप इन फोटोज को देख के बता ही सकते हैं कि इतना एक्सट्रीम बॉडी फैट परसेंटेज होने के ही कारण उनकी अर्ली डेथ हो गई थी। उनके कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स भी है, उन्होंने 2 बार फ्लेक्स मैगजीन में और 2 बार मसल मैगजीन इंटरनेशनल में उन्होंने काम किया था। उनकी वहाँ ऑफिशियल फोटोग्राफ भी है, आप इंटरनेट के ऊपर चेक कर सकते हैं। सो एंड्रियास मुंजर ऑस्ट्रिया से आते हैं। ऑस्ट्रिया ये वही जगह है जहाँ से अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आए थे। सो ऑफकोर्स एंड्रियास मुंजर के सबसे बड़े आइडल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ही रहे होंगे और उनको ही देख के वो इमिटेट किया करते थे और उनकी तरह एक दिन अर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करना चाहते थे और मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते थे एंड्रियास मुंजर। सो उनकी जब डेथ हुई थी 1996 में, तो उनकी अटॉप्सी रिपोर्ट आई थी बाहर और उनकी अटॉप्सी रिपोर्ट में कुछ ऐसे फैक्ट सामने आ गए थे कि भले से भले आईएफबीबी के बॉडी बिल्डर शॉक हो गए थे, तब उनको पता चला कि एंड्रियास मुंजर ने कितने सारे डायुरेटिक्स और स्टेरॉइड्स का यूज किया है। सो सैन होजे इन्विटेशनल प्रो हुआ था 1996 में और उसके कुछ महीनों के बाद एंड्रियास मुंजर को उनके स्टमक में काफ़ी पेन होने लग गया और स्टमक में पेन होने के कारण उनको March 12, 1996 को शाम को 7 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया। सो डॉक्टर ने सर्जरी स्टार्ट कर दी क्योंकि उनके स्टमक से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और जब सर्जरी करके उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई तो काफ़ी शॉकिंग फैक्ट बाहर आए थे। सो उनका जो डेथ का रीज़न था वो था लीवर एंड किडनी का फेल होना, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। क्योंकि जब लीवर और किडनी फेल हो जाता है तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है और उनकी एंड्रियास मुंजर की लीवर इतनी बुरी तरीके से फेल हो गई थी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी पॉसिबल नहीं था। सो March 14, 1996 सुबह 7 बजे इनकी मौत हो गई। सो ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनका जो रीज़न था वो था डायस्ट्रोफिक मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। सो एटास्ट्रोफिक रिपोर्ट जब देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि जो आपके बॉडी में जो फैट होती है, जिसको हम सब्सटेंसिनियस फैट कहते हैं, एंड्रियास मुंजर के बॉडी में सब्सटेंसिनियस फैट थी ही नहीं, ऑलमोस्ट 0% पे चली गई थी। प्लस इनके लीवर के स्किन के ऊपर, यानी कि लीवर का जो कवरिंग होती है उसके ऊपर एक बड़ा सा ट्यूमर फॉर्म हो गया था और उस ट्यूमर का साइज एक टेनिस बॉल के इतना था। आप सोच के देखिए कि टेनिस बॉल जितना ह्यूज ट्यूमर आपके लीवर के ऊपर फॉर्म हो जाना, तो आपको किस लेवल का पेन हो सकता है। प्लस उनके लीवर में 80% पूरा डैमेज हो चुका था, पूरा सड़ चुका था अंदर तक लीवर, जिसको हम एक पॉलिस्टरिंग क्रम्बली मास के तौर से आप देख सकते हैं उसको। उसके ऊपर से इनको कार्डियक हाइपोट्रॉफी आ चुकी थी। प्लस एंड्रियास मुंजर का हार्ट का वेट 636 ग्राम का हो गया था। एक नॉर्मल इंसान के हार्ट का वेट 300 से लेकर 350 ग्राम का होता है, एंड्रियास मुंजर का हार्ट का वेट डबल हो गया था, 636 ग्राम, यानी कि एक नॉर्मल इंसान के हार्ट के डबल साइज। आप सोच के देखिए कि कितने हैवी डायुरेटिक्स और स्टेरॉइड्स को इन्होंने अब्यूज़ किया होगा। प्लस जो एंड्रियास मुंजर ने इतने स्टेरॉइड्स का यूज़ किया था, उसकी वजह से जो उनके बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो कम्प्लीटली आउट ऑफ बैलेंस चले गए थे, उनके पोटेशियम लेवल एकदम एक्सट्रीम हाई लेवल पे शूट हो गए थे। इसके ऊपर से एटॉप्सी रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि उनके बॉडी में
20 अलग अलग डिफरेंट तरह के ड्रग्स मिले थे। तो आप सोच के देखिए कि कितना हैवी स्टेरॉइड्स को अब्यूज़ किया था एंड्रियास मिंजर ने, और ऑफकोर्स उनको इसकी प्राइस पे करनी पड़ी। अगर आप इतना एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं तो ऑफकोर्स आपकी बहुत जल्दी मौत हो जाएगी। सो कॉम्पिटिटिव स्टेटस की बात करें एंड्रियास मिंजर की, तो एंड्रियास मिंजर का स्टेज वेट था अराउंड 240 pounds, जो 108 किलोग्राम के आसपास है। इनके आर्म्स की साइज थी 21 इंचेस और इनकी चेस्ट की साइज थी 58 इंचेस। इनका सबसे पहला कंपटीशन था 1986 का यूरोपियन अमेचर चैंपियनशिप्स मिडलवेट डिवीजन, वहां पे वो सिक्स प्लेस हुए थे। और इनका सबसे आखिरी कंपटीशन था 1996 का सैन होजे प्रो इन्विटेशनल, जहां पे उनकी प्लेसिंग आई थी 7। इन्होंने मिस्टर ओलंपिया के कंपटीशन में भी कई बार कम्पीट किया है, उसमें से सबसे पहला था 1989 का मिस्टर ओलंपिया जहाँ पे उनकी प्लेसिंग आई थी 13, उसके बाद 1990 का मिस्टर ओलंपिया जहाँ पे उनकी प्लेसिंग आई थी 9, उसके बाद 1991 का मिस्टर ओलंपिया वहाँ पे वो प्लेस नहीं हुए थे, उसके बाद 1993 का मिस्टर ओलंपिया जहाँ पे उनकी प्लेसिंग आई थी 9, और उसके बाद 1994 का ओलंपिया जहाँ पे उनकी प्लेसिंग अगेन आई थी 9। सो आप देख सकते हैं कि दो बार टॉप 10 में फिनिश हुए हैं एंड्रियास मिंजर, और होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप इतनी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज कम रखेंगे, ऊपर से प्लस इतना हार्डकोर कंडीशनिंग ऑन स्टेज लेके जाएंगे, तो ऑफकोर्स आप टॉप 10 में तो आराम से फिनिश हो सकते हैं। और अगर आप इनकी बॉडी देखें तो ऐसा नहीं कि काफ़ी श्रेडेड बॉडी थी, थोड़ा सा मसल मास जरूर कैरी करते थे, लेकिन जो बॉडी फैट परसेंट इतना कम होता था और उसकी मसल्स इतनी मस्कुलर फाइबर्स इतने वेल डिटेल दिखाई देते थे, उसी के कारण वो हमेशा टॉप 10 में फिनिश हुए हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एंड्रियास मिंजर एक चलते फिरते बॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है, जो एनाटॉमिकल चार्ट होता है, उस तरीके से दिखते थे। उनके चेस्ट में आप स्ट्रिएशंस देखिए कि एक एक मसल फाइबर कितनी क्लियरली विजिबल है। आज आप मुझे बता दीजिए कि एक भी बॉडी बिल्डर है जिसके इतनी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ लो बॉडी फैट परसेंटेज होगा और इतना वेल कंडीशन बॉडी बिल्डर होगा, कोई भी नहीं है, हैंड्स डाउन कोई भी नहीं है जो इतने एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज मिस्टर ओलंपिया स्टेज के ऊपर लेके आ सकता है। सो दोस्तों ये था वीडियो एंड्रियास मिंजर उनके करियर को लेके, जो काफ़ी ड्रेस्टिक और ट्रेजेडिक करियर था, लेकिन जो उन्होंने नाम कमाया बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में, उसके लिए तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही था कि मैं स्टेरॉइड्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर आप स्टेरॉइड्स को अगर अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो इसका रिजल्ट क्या होता है, काफ़ी हैवी कॉस्ट आपको प्राइस पे करनी पड़ सकती है। सो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, और इन जनरल मुझे आप बता सकते हैं कि क्या सोचते हैं आप एंड्रियास मिंजर उनके करियर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ बेल आइकॉन क्लिक कर देना, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे। सो एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम हर्षल मुदिराज, पीस आउट।